हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने मोस्ट अवेटेड फीचर लॉन्च किया था जिसमें यूज़र मैसेज को सेंड करके रीड कर सकता है। अगर रिसीवर ने मैसेज पढ़ा नहीं तो सेंडर मैसेज को 7 मिनट के अंदर डिलीट कर सकता है। तो दोस्तों, इस फीचर के आने के बाद से यूज़र बेहद बेहद खुश है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको मैसेज भेजने के बाद सेंडर ने जो मैसेज डिलीट डिलीट किए हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से टाइमलाइन नोटिफिकेशन ऐप डाउनलोड करना होगा। तो पहले दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए। ओपन ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए टाइमलाइन नोटिफिकेशन। इसे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद दोस्तों जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आप टाइमलाइन नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसे इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया तो मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको इसका 3 स्टेप करना होगा। दोस्तों पहले तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और दूसरा दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन में नोटिफिकेशन एक्सेस को इनेबल करना होगा। ये ऑन कर दे, इसे ऑन करते ही स्क्रीन पर मैसेज आएगा, उसे ओके कर दे। तो दोस्तों अगर आपको कोई मैसेज करके डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको इसी टाइमलाइन ऐप में दिखाई देगा। ऐप ओपन कर कर आप मैसेज पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरे एक दोस्त ने मैसेज भेजा था दोस्तों, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इसे वो मैं अपने दोस्त के मोबाइल से इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ से डिलीट हो चुका है, यहाँ से हो गया। तो यहाँ से डिलीट हो गया तो दोस्तों इसे आप कहाँ पे जाके देख सकते हो, टाइमलाइन ऐप में जाके। तो टाइमलाइन ऐप में व्हाट्सएप का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन, आपको इस पर जाना होगा। इसमें जाने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाय। तो दोस्तों आपको जिसने मैसेज किया उसका आप मैसेज भी पढ़ डिलीट करने के बाद मैसेज भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।